अधिराज सुनो वो जरा। अरे इसे क्या हुआ? अरे मेरे सारा प्लान खराब कर दिया। मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गई भाई। क्या हुआ स्वानी? मुझे बता। मैं ये लेटर, ये लेटर मैं अधिराज को नहीं देने वाली थी। पता नहीं उसे कहां से मिल गया। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था, वो मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था भाई। उसकी आंखों में बहुत नफरत थी। अब वो इस शादी के लिए जरूर हाँ कर देगा। शादी से कभी बैकआउट नहीं करेगा। वो नहीं मानेगा। मैं अधिराज को अच्छी तरह जानती हूं। हम सब उसे अच्छी तरह जानते हैं। शादी नहीं कर सकती ना। मैं क्या करूंगी? मुझे पता था कुछ ऐसे कुछ होने वाला है। मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? प्लीज हिम्मत मत हारो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे दिया गाइस, लगता है भूई और ताऊ जी आ रहे हैं। दिया नूपुर कहाँ है? वो किचन में है। हिम्मत मत हारना। Thank you.
ये क्या, विदाई तो कल है और ये अभी से रो रही है। गुंजन बेटा इसे कमरे में ले जा, और बच्चों तुम लोग भी घर जाओ, शादी कल सुबह है ना। सरदार जी कल सुबह समय पर आ जाना मेकअप के लिए। जी वो जरूर आएगा। अच्छी बात है। चलो चलो। कोई जगह नहीं, कभी भी तुमसे प्यार, कभी भी तुमसे प्यार नहीं था। I hate you। फिर मैं उन लोगों की बातों में आ गया। झूठे मक्कार धोखेबाज लायर्स, और उनमें सबसे आगे है सुहानी। I hate you so much। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सुहानी, कभी माफ नहीं करूंगा। केस तुम्हें इस वक्त सुहानी के पास होना चाहिए। आई एम सॉरी टू, वो मेरी सिस्टर की वजह नहीं। सम्राट इसमें उसकी कोई गलती नहीं। तुम घर जाओ। और तुम लोग? हम लोग अधिराज के घर जाएंगे। शिखर बेटा पता नहीं क्यों अधि कुछ परेशान लग रहा है, उससे जाके बात कर तो। कल शादी है उसकी माँ, थोड़ा नर्वस होगा। मैं बात करता हूँ। मयंक अगर अधिराज नहीं मानेगा ना तो मैं नुपुर को जिंदगी भर अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। कुछ करो ना। उदय प्लीज, नुपुर की चिंता मुझे भी है। हाँ। तुम थोड़ा काम रहो। ओके। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। सब कुछ ठीक हो जाए, बस एक बार अधिराज से बात हो जाए।
सब कौन आया होगा? सुहानी रिलैक्स, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपने आप को यूं ब्लेम मत करो। सब ठीक हो जाएगा। मैं कदीरा से बात करने गया है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सुहानी। ओके? चिंता कैसे नहीं करूं गुंजन? उस लेटर के पढ़ने के बाद अधीराज बाऊजी को शादी रोकने से कभी मना नहीं करेगा। दी, महंत ने पहले भी अधीराज से बात की थी और वो मान गया था ना? और उस लेटर से तुम्हारे या मयंक का कोई वास्ता नहीं है। बस अधीराज को ये समझने की देर है और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस बार भी मान जाएगा। वो नहीं मानेगा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ भाई। उसका खुद के गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है। मुझ पर अपना गुस्सा निकालने के लिए वो हम सबको सजा देगा। डैड, दरवाजे पर जो भी हो, अगर वो ये कहते हैं कि वो मेरे दोस्त हैं, तो प्लीज उनसे कह देना कि मैं अभी बात नहीं कर सकता। मयंक, मुझे लगता है हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए। या दैट्स अ गुड आइडिया। गुस्से से कोई काम ठीक नहीं होगा। अरे लेकिन इस वक्त पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। उधर रिलैक्स करो। ओके। उधर तुम मेरी बात समझ रहे हो? ओके। बी स्ट्रॉन्ग नपुर। ये टाइम पॉजिटिव होने का है। आई एम श्योर कि मयंक सब हैंडल कर लेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं बाबूजी से एक बार बात करके देखती हूँ। प्लीज प्लीज इस वक्त कुछ मत करना। कहीं हमने सारा काम बनते बनते बिगाड़ दिया तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ नपुर, प्लीज गुंजन की बात मानो और थोड़ा रिलैक्स करो। नमस्ते अंकल। सॉरी अंकल, वो इतना लेट। एक्चुअली हम अधीराज के दोस्त हैं। हाँ जी, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? लेकिन बेटा, वो तो कब का सो चुका है। प्लीज अंकल, बहुत अर्जेंट है। हाँ अंकल, प्लीज बहुत अर्जेंट है। अरे अंकल, इतना अर्जेंट है कि अभी कंट्रोल ही नहीं होता। प्लीज, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। हम थोड़ी देर। एक काम करो बेटा, तुम लोग कल सुबह सुबह आ जाओ, बारात के वक्त, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस वक्त आदि तुम्हारे साथ गया तो फिर सुबह तक नहीं लौटेगा। नहीं नहीं अंकल, ऐसा कर जब। पर अंकल, ऐसी बात। सी यू टुमारो मॉर्निंग। बाय बाय। जी, अब तो ये दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। ओके, अरे उदय, 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 चुप कर यार, प्लीज। देख, मयंक को देख, इतना परेशान है। आई नो डूड, मुझे पता है वो परेशान है, लेकिन फिलहाल तू उसे हैंडल कर, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड हूं, मैं किसी को हैंडल नहीं कर सकता। कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। मुझे यकीन है कि ये कल को लेकर ही परेशान है। बेटा। जी डैड। कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल तुम सिर्फ एक नए रिश्ते की ही नहीं बल्कि अपनी सेटल्ड फैमिली लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हो। Beep!
हेलो मायू, रात के 3 बजे, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, पता नहीं कहाँ से शुरू करूं, कैसे बताऊं। काश तुम यहां होती तो सब कुछ ज्यादा आसान होता। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं आ रही हूँ। कल जैसे ही पहली फ्लाइट मिलती है मैं आ रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा। ओके ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय। माँ आएगी तो खुद ही बाबूजी से बात करेगी। बस ये एक तरीका है ये शादी रोकने का।